हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और न्यू धमाकेदार टॉय और स्टेशनरी का कलेक्शन वीडियो लेके आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रखा है बड़ा सा बॉक्स और बॉक्स के अंदर यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉय रखे हुए हैं जो कि आज तक आपने एक साथ कभी भी नहीं देखे होंगे। अगर आपको इतने सारे टॉय में से एक भी टॉय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। तो वन बाय वन दिखाऊंगा बहुत सारे टॉय, जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉय हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। सबसे पहली चीज गाइस हमारे पास ये देखो बेन 10 वाली एक प्रोजेक्टर वॉच जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसके पट्टे के ऊपर देखो बेन 10 के पूरे कैरेक्टर बने हैं, बेन 10 लिखा भी हुआ। और ये देखो बेन 10 का कितना प्यारा फेस यहां पर बना हुआ। हाथ में पहनने पर ये वॉच कुछ ऐसी दिखाई देगी, है ना। इसका डिजाइन, इसका कलर सच में बहुत अमेजिंग है। अगर आप इसके अंदर टाइम देखना चाहो तो यहां से ओपन करके टाइम देख सकते हो। यहां पर बटन दबा के आप टाइम सेट भी कर सकते हो, है ना। और ये वाला जो बटन है इसको दबाने से इसके अंदर से प्रोजेक्टर लाइट बाहर आती है, ये देखो, जिससे आप कैरेक्टर देख सकते हो कुछ इस तरह से। देखो मेरे हाथ आप देख सकते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। और अगर इसको अंधेरे में चलाओगे ना दीवार पे तो आपको कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो काफी प्यारी वॉच है, आपको 150 रुपीज से कम में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको बेन 10 कार्टून पसंद हो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा स्पिनर, ये देखो हेलो किटी कार्टून वाले डिजाइन में स्पिनर, यहां पर स्पिनर है, यहां पर लॉन्चर है और मैंने इसको पहले से रेडी कर रखा है। अगर आप इस तरह के स्पिनर चलाना चाहते हो तो आपको 100 से 120 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। तो गाइस चला के दिखाता हूं, 3 2 1 गो। ये देखो कुछ इस तरह से चलता है, इसके अंदर बहुत ही प्यारा साउंड आता है और लाइट जलती है जो कि काफी सेटिस्फाइंग होती है। देखो यहां से मैंने इसको लगाया है और देखो ये 3 2 1 गो। और गाइज ये चल ही नहीं पाया है ना, इसको हाथ पे चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सो गाइज ये देखो गाइज, और गाइज ये स्क्रीन से बाहर ही चला गया है। सो गाइज मैं इसको उठा देता हूं और गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से इस तरह के लॉन्च मतलब जो स्पिनर होते हैं इनको चलाया जाता है। अगर फर्श पे चलाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से चलेगा, बट मैं आपको फर्श पे चला के नहीं दिखा रहा हूं। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का कीड़ा, ये देखो बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। देखो इसके ऊपर बाल है यहाँ पर जिनको खींचने पे देखो रबर बैंड की तरह वर्क करते हैं, ये देखो है ना, और कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। ये देखो गाइस वाओ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसको ऐसे दबाने पे देखो फूल जाता है, ये है ना। और इससे आप खेल भी सकते हैं, यहां पर इसको अपनी फिंगर में डाल के ऐसे, और यहां से आप इसको ऐसे ऐसे खेल भी सकते हैं जो कि आप मेरे को स्क्रीन में देख सकते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक टाइप का आइटम है। और इसको हिलाने पर ना इसके अंदर लाइट भी जलती है गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं काफी प्यारी लाइट जलती है और अंधेरे में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और जिस भी एंगल से आप इसको दबाओगे कुछ इस तरह से इसके अंदर बबल बन जाता है बड़ा सा, जो कि काफी सेटिस्फाइंग लगता है, है ना। और 100 से 120 रुपीज के बीच में आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहां पर एक देखो यूनिकॉर्न वाले डिजाइन वाला एक मग जिसके अंदर आप चाय दूध कॉफी कुछ भी पी सकते हैं। यहां पर यूनिकॉर्न बना हुआ, यहां पर लिखा यूनिकॉर्न्स आर रियल, यहां पर हैंडल है, ऐसे पकड़ के आप इसका यूज कर सकते हैं। यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, मतलब लिक्विड नहीं भरा, इसके अंदर आप चाय पानी दूध कॉफी कुछ भी लिक्विड टाइप का डाल के पी सकते हैं। और अगर वो गर्म है तो आप ढक्कन लगा के उसको रख सकते हैं, वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। और तो और आप इसको यहां से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि जो इसकी पूरी बॉडी है ना रबर की बनी हुई है, आपका हाथ नहीं जलेगा। और इसके नीचे ग्रिप भी बनी हुई है, जब आप इसको ऐसे रख दो ना ऐसे ऐसे सरकेगा नहीं गाइस। ये इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, और यहां पर जो यूनिकॉर्न का पैटर्न बना हुआ ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाला एक और अमेजिंग आइटम, ये देखो कुछ ऐसा ही आइटम है जो कि एक्चुअल में एक चाबी का छल्ला है। यहां पे आप इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं, यहां पे यूनिकॉर्न लिखा हुआ, यूनिकॉर्न बना हुआ है दोनों साइड। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये है गाइस अंदर से एक मिरर जिसको आप मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आप अपना फेस देख सकते हैं, यहां पर भी फेस देख सकते हैं, और ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ही मिरर है। और दोनों साइड से आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं और ऐसे ये बंद हो जाता है। और यहां पर आप इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं, यानी कि चाबी के छल्ले वाला बहुत ही प्यारा मिरर सेट है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में बहुत ही प्यारा सा वॉटर गेम, ये देखो यहां पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, यहां पर भी यूनिकॉर्न बना हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और यहां पे दो पिन है और यहां पे काफी सारे सर्कल हैं। बटन दबाने में कुछ इस तरह से इस वॉटर गेम को खेला जाता है। ये सारे सर्कल ना हमें इस पिन के अंदर डालने होते हैं जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये देखो है ना, मैं आपके सामने वॉटर गेम खेल के दिखा रहा हूं, काफी सेटिस्फाइंग और काफी ज्यादा मजा आता है इसको यूज करने में। और इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है इसको ना बैटरी नहीं डालनी पड़ती, चार्ज नहीं करना पड़ता, बस उठाओ और खेलना शुरू कर दो। ये भी आपको 100 रुपीज के आसपास आराम से मिल जाएगा। और हमारे पास एक देखो बहुत ही प्यारा सा फिडजेट स्पिनर, ग्रीन कलर का फिडजेट स्पिनर जिसको आप चलाओगे ना ये कुछ इस तरह से घूमता है और उसको चलाने में मजा बहुत आता है। इसका डिजाइन इतना ज्यादा क्रेजी है ना, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। देखो डिजाइन और कलर की वजह से मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप इसको फुल स्पीड में घुमाओगे ना ये बहुत ज्यादा देर तक घूमता है और इसको चलाने में मजा बहुत ज्यादा आता है। अगर आपने कोई फिडजेट स्पिनर चलाया तो आपको पता होगा कितने ज्यादा क्रेजी होते हैं गाइस ये, है ना। एक तो गाइस मेरे पास ये है ग्रीन कलर में और एक मेरे पास ये है गाइस ये देखो पर्पल कलर में, और ये वाला मैं आपको घुमा के दिखाता हूं। ये देखो
ये थोड़ा मेटल क्वालिटी का, ये वाला प्लास्टिक क्वालिटी है, पर गाइस आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में ये घूम रहा है और इसके अंदर से बहुत ही सेटिस्फाइंग साउंड भी आता है। ये देखो साउंड आप सुन सकते हैं, है ना। अगर आपको फिडजेट स्पिनर चलाना पसंद है तो इस तरह के अलग अलग डिजाइन वाले फिडजेट स्पिनर की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 100 रुपीज के आसपास आपको ये दोनों फिडजेट स्पिनर मिल जाएंगे। और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक बड़ी सी गन, ये देखो, जो कि है गाइज एक बहुत ही अमेजिंग से डिजाइन वाला पेन। देखो यहाँ पे इसके ऊपर लाइट लगी है, बट ना बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन इसका जो गन वाला डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहाँ पे इसके अंदर है पेन, है ना, यानी कि आप इसको लिखने के लिए यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखो, है ना। और इसको अगर हम यहां से बंद कर देंगे तो गाइज ये बन जाएगी गन। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं। और गाइज हमारे पास है यूनिकॉर्न वाले डिजाइन वाला एक अमेजिंग सा पेन, ये देखो, है ना। यहाँ पे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो कि कुछ इस तरह से मूव होता है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न का डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही क्रेजी सा, और ये काफी लंबे साइज का पेन है। यहां से ओपन करने के बाद आप इस पेन को ऐसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। पेन का डिजाइन, पेन का कलर, पेन की टिप्स इसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक मोबाइल फोन वाले डिजाइन वाला, ये देखो, मतलब पुराना जो टेलीफोन होता है ना उस वाले डिजाइन वाला हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। देखो यहां से आप इसको कुछ इस तरह से खेल सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कैरेक्टर बने हुए गाइज, ये देखो, है ना। और यहाँ पे आप मोबाइल की तरह देखो डायल भी कर सकते हैं जैसे कि पुराना फोन होता था, देखो, है ना। और यहाँ पे लिखा है ट्रिंग ट्रिंग, जैसे कि मोबाइल के अंदर से साउंड आता था, मोबाइल नहीं एक्चुअल में उसको टेलीफोन कहा जाता था। यहां से ओपन करेंगे तो गाइज इसके अंदर आपको स्पेस देखने मिलता है, यहां पर आप सामान रख सकते हैं, और इस ट्रे को हटाने के बाद ट्रे के नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। तो काफी प्यारा, काफी यूनिक टाइप का, बहुत ही अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स है। यहां से बंद करने के बाद इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा क्रेजी लगा मुझे। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक और ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि है गाइज एक गेम वाला ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। यहाँ पे इसके अंदर पासवर्ड भी डालना पड़ता है, मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप डिजाइन देखो, इसके अंदर गोलियों वाला गेम है जो कि आप कुछ इस तरह से यहाँ से खेल सकते हैं गाइज, ये देखो, है ना। यहां से इसको लीवर को खींचने से यहाँ पे इसके अंदर देखो काफी कुछ बना हुआ है जिसके अंदर आपको गोली डालनी होती है, और आप अगर एग्जैक्ट जगह पर गोली डाल देंगे तो आप विनर बन जाएंगे। बहुत ही प्यारा गेम यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर पासवर्ड आपको डालना पड़ता है, ये देखो, है ना, 18 इसका पासवर्ड है, देखो 1 और ये 8 ये है गाइज, 18 मैंने इसके अंदर डाला, और यहां से इसको स्लाइड करते गाइज ये ओपन हो जाता है, और गाइज ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, 18 इसका पासवर्ड है, देखो मैं ओपन कर रहा हूं, ओपन नहीं हो रहा, ये देखो हो गया गाइज। यहां पे इसके अंदर एक ट्रे लगी है, ट्रे के अंदर डिजाइन बने, और ट्रे के नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है। इस ज्योमेट्री बॉक्स में काफी सारा सामान आएगा, और अगर आप इसको बंद कर दोगे ना तो बिना पासवर्ड के इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ये देखो, यहां से बिना पासवर्ड के कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप इसके अंदर सही पासवर्ड नहीं डालोगे। और जो गेम वाला पैटर्न है ये तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगा। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखो एक और अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये गाइज एवेंजर्स वाले डिजाइन है, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है, यहाँ पे हल्क बना हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रिंट यहाँ पर बना हुआ है, और दूसरी साइड भी बहुत प्यारा प्रिंट बना हुआ है। और अगर हम इसको ओपन करें तो गाइज ये देखो अंदर इसके लगे हैं शार्पनर, ये देखो दो शार्पनर लगे हैं जिससे आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और यहां पे देखो इसके अंदर एक स्टडी लैंप देखने को मिलता है जिससे आप अंधेरे में पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी रोशनी अच्छी खासी है, है ना। और यहां से बंद करने के बाद गाइस ये देखो यहां से ओपन करेंगे तो यहां पर भी बहुत स्पेस है, दोनों साइड आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, बहुत ही क्रेजी आइटम है गाइस ये। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक बड़ा सा बर्गर, ये देखो, जो कि एक्चुअल में है एक लंच बॉक्स। इसका डिजाइन, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, देखने में किसी बड़े बर्गर जैसा लग रहा है, है ना। लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो गाइस अंदर से है ये एक लंच बॉक्स, ये देखो यहां पे इसके अंदर स्पून है, है ना, यहां पर एक ट्रे लगी है, इसको हटाएंगे तो इसके नीचे भी एक ट्रे लगी है गाइस, ये देखो काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। यहां पर देखो इसके अंदर सामान रख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, और यहां से हटा के इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं, और यहां पर ये स्पून रख सकते हैं, और यहां से आप इसको बंद कर सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से। बहुत ही यूनिक टाइप का मतलब लंच बॉक्स है, इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, और काफी ज्यादा स्पेस भी है इसके अंदर, है ना। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा हाई लाइटर सेट जो कि स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा काम आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 कलर देखने मिलते हैं, और गाइस सारे के सारे हाई लाइटर है, 5 या 6 कलर है। देखो यहां से ओपन करेंगे तो गाइज देखो इसके अंदर टोटल 6 कलर हैं। पहला गाइज ऑरेंज कलर, मैं आपको कुछ कलर्स दिखा देता हूं, ये देखो ये है पैरट ग्रीन कलर जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, है ना। ये देखो यहां पर है स्काई ब्लू कलर, और यहां पर है गाइज एक और देखो ब्राउन कलर, वाओ। और लास्ट वाला मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये है पिंक कलर। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस तरह के डिजाइनर हाईलाइटर आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहां पर एक प्यारी सी मैकेनिकल पेंसिल,
है ना, लीड वाली पेंसिल इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप इसका पूरा डिजाइन देख सकते हैं, इसके हर एक पार्ट के अंदर एक पेंसिल लगी हुई है गाइस, ये देखो, और कितने प्यारे प्यारे कलर्स बने हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। नॉर्मल पेंसिल नहीं है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पेंसिल है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। और ये जितने भी कलर्स है ना, सारे के सारे पेंसिल्स हैं। और आप इसको फ्रंट से ओपन करके गाइस ये देखो, कुछ इस तरह से लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है इसका। और गाइस हमारे पास ये देखो, प्यारा सा मिकी माउस वाले डिजाइन वाला चाबी का छल्ला, यहाँ पे मिकी लिखा हुआ है, और गाइस ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे मिकी माउस बना हुआ है, ये देखो, है ना। अगर आपको मिकी माउस कार्टून पसंद है तो ये चाबी का छल्ला आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे हुक बना हुआ है, यहाँ से आप इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं, यहाँ पे आप इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं, और ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 100 से 150 रुपीज के बीच में आपको इस तरह के चाबी के छल्ले मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा कूल होते हैं, है ना। एक तो गाइस ये है, और हमारे पास स्पाइडरमैन वाले डिजाइन वाला भी है गाइस, ये देखो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और गाइस ये ब्लैक स्पाइडरमैन है ना, देखो यहाँ पे लिखा है स्पाइडरमैन, यहाँ पे स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है। और गाइस ये देखो, ओवरऑल ये चाबी का छल्ला कुछ ऐसा दिखाई देगा। मुझे इसका डिजाइन, इसका कलर बहुत ज्यादा क्यूट लगा गाइस। यहां से आप इसके अंदर देखो, इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं, और ओवरऑल जो इसका लुक है, इसकी वजह से गाइस मुझे सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। और गाइस दोनों चाबी के छल्ले मैंने आपको दिखा दिए, ये देखो, एक है मिकी माउस वाले डिजाइन वाला और एक है स्पाइडर मैन वाले डिजाइन वाला। आपको कौन सा पसंद आया आप कॉमेंट में जरूर बताना। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा ऑटो रिक्शा, ये देखो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक टाइप का ऑटो रिक्शा है, और जिसको आप पुश बैक करके चला सकते हैं। आपको इसको फर्श पे रखना है, पीछे की तरफ खींचना है, और गाइस ये देखो कुछ इस तरह से चलता है, फर्श पे रखना है, पीछे की तरफ खींचना है, और गाइस कुछ इस तरह से चलता है, ये देखो, ये है गाइस सीएनजी ऑटो रिक्शा, है ना। देखो यहाँ पे इसका नंबर भी लिखा हुआ है, DL4S9532, और ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल रियल ऑटो रिक्शा जैसा लग रहा है। बट गाइस ये एक टॉय है, जो कि मुझे मिला है 200 रुपीज में। जी हाँ गाइस, 200 रुपए है इसका प्राइस, और इतने कम प्राइस में गाइस इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और हमारे पास है गाइस यहाँ पर एक कार सेट, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 बहुत ही अलग अलग कलर वाली कार देखने को मिलती है, जो कि डाई कास्ट कार है। देखो यहाँ पे लिखा है एलोय कार मॉडल डाई कास्ट, है ना। और ओवरऑल इसका पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं, 500 रुपीज इस बॉक्स का प्राइस है। 500 रुपीज में आपको सारी कार देखने मिलती है, तो जल्दी से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर आपको जैसी कार देखने मिलती है ना गाइस, इनका डिजाइन देखो, हर कार का अलग कलर है और डिजाइन भी अलग है गाइस। ये देखो, मतलब डिजाइन तो लगभग लगभग सेम है, बट कलर्स देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं ये चलती कैसे है। देखो सबसे पहले आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, कितना यूनिक टाइप का इसका डिजाइन है। और अगर आप इसको चलाना चाहें तो आपको इसको फर्श पे रखना है, पीछे की तरफ खींचना है और छोड़ देना है गाइस। ये देखो कुछ इस तरह से चलता है गाइस, फर्श पे बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है। अगर आप इसको चलाओगे ना तो बहुत दूर तक चलती जाएगी गाइस। इसके टायर आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सारी कार्स वन बाय वन दिखाता हूं। ये देखो, ये वाली मैंने आपको दिखा दी, ये वाली मैंने आपको दिखा दी, और इनका डिजाइन देखो गाइस, जो कार्स के ऊपर प्रिंट बना हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो इसके ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है, ये देखो कितना ज्यादा यूनिक टाइप का प्रिंट है, है ना। ये देखो, वाओ, मुझे तो गाइस इसके ऊपर जो डिजाइन बने हुए यही सबसे ज्यादा पसंद आए, है ना। तो कार काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और गाइस प्लास्टिक क्वालिटी में आती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी। अगर आप इसको यूज करोगे ना तो सालों साल ये खराब नहीं होगी। और वापस से मैं इसको पैक कर देता हूँ। ये देखो कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का शार्पनर, ट्यूब वाले डिजाइन वाला शार्पनर। यहां से ओपन करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है ना, यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास ये देखो बॉल वाले डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो यहां से ओपन करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, यहां से इसको बंद करेंगे, यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। डिजाइन और कलर आपने देख लिया कितना अमेजिंग है। और गाइस हमारे पास यहाँ पे दो डोरेमोन वाले आइटम है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाली एक बहुत ही प्यारी वॉटर बॉटल, ये देखो इसके ऊपर दोनों साइड डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। देखो, और ये मेटल क्वालिटी में आती है, लोहे की गाइस ये वाटर बोतल है, जो कि काफी लाइट वेट है। यहाँ पे देखो, यहां से आप इसको कहीं भी लटका सकते हैं, यहाँ पर हुक बना हुआ है, ये देखो, है ना। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको, ये देखो पानी का मुंह देखने मिलता है, मतलब बोतल का मुंह देखने मिलता है, जहां से आप पानी पी सकते हैं, है ना। और यहां पर भी देखो कितना प्यारा मेटल का प्रिंट, मतलब डिजाइन बना हुआ है। और इसको बंद करने के बाद जो इसका डोरेमोन का डिजाइन है, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, है ना। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सालों साल यूज करके खराब नहीं होगी, इसका प्रिंट भी खराब नहीं होगा। इसका प्राइस यहां पर देख सकते हैं 4449 इसका प्राइस है, बट इतने प्राइस में नहीं मिली है मुझे, 300 रुपीज में मिली है। 300 रुपीज में डोरेमोन वाली प्रिंट वाली मेटल की बॉटल, हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक वाटर बॉटल है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास यहाँ पर एक और अमेजिंग सा शार्पनर,
ये देखो यूनिकॉर्न वाले डिजाइन वाला शार्पनर जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर बॉल्स डली हुई हैं, ये देखो फोम वाली बॉल है ये। और अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे शार्पनर लगा है, और यहां से बंद करने के बाद यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है। और गाइस हमारे पास एक और अमेजिंग सा डोरेमोन वाले डिजाइन वाला स्टेशनरी सेट, जिसके अंदर आपको सारे आइटम डोरेमोन वाले प्रिंट वाले देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। और गाइस ये एक ऐसा आइटम है जो कि आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो गाइस यहां से मैंने इसको ओपन किया है ना, तो यहाँ पे कितना प्यारा डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, डोरेमोन लिखा भी हुआ है। और अगर हम इसको उल्टा करके गाइस ये देखो यहां से देखें तो इसके अंदर आपको बहुत सारे आइटम देखने मिलते हैं जो कि सारे स्टेशनरी आइटम है। देखो यहाँ पे इसके अंदर एक शार्पनर है, इसके अंदर एक डोरेमोन वाली बहुत ही प्यारी इरेजर है, और इसके अंदर आपको डोरेमोन प्रिंट वाला बहुत ही प्यारा वैक्स क्रियोन्स कलर का बॉक्स देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको 6 वैक्स क्रियोन्स कलर देखने मिलते हैं, जिसको आप ड्राइंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं और आपकी ड्राइंग को ये बहुत ब्यूटीफुल भी बना देंगे। और गाइज हमारे पास यहाँ पर ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे डोरेमोन वाली पेंसिल और एक डोरेमोन प्रिंट वाला बहुत ही प्यारा सा स्केल, ये देखो इसके ऊपर डोरेमोन का बहुत ही प्यारा प्रिंट बना हुआ है। तो वापस से मैं इनको इनकी जगह पर होल्ड कर देता हूं। और गाइस ये देखो हमें इसके अंदर डोरेमोन प्रिंट वाला एक बहुत ही प्यारा सा मेटल क्वालिटी का जेनेट्री बॉक्स भी देखने मिलता है। यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर भी स्पेस है, इसके पीछे कैपिटल में ABCD लिखा है, 1 से 9 तक टेबल लिखा हुआ है। पूरा सेट आप देख सकते हैं इसके अंदर, आपको देखो डोरेमोन का जेनेट्री बॉक्स, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर और वैक्स क्रियोन्स कलर देखने को मिलते हैं, है ना। तो काफी प्यारा ये आइटम है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इसके ऊपर डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, और पीछे भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर डोरेमोन का कितना अमेजिंग प्रिंट बना हुआ है। अगर आपको डोरेमोन के आइटम देखने पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोरेमोन के टॉय दिखाए हुए हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास है ये देखो एक प्यारा सा येलो कलर का पेन, ये देखो कुछ इस तरह का पेन है, इसके ऊपर यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है, और यहां से आप इस पेन को ओपन करके लिखने के लिए यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखो है ना। और जब आप पेन को लिखने के लिए यूज करेंगे तो इसके ऊपर जो मतलब ये टॉय बना हुआ ना कुछ इस तरह से हिलता रहता है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग लगता है इसके डिजाइन की वजह से, आप देख सकते हैं है ना। तो काफी प्यारा पेन है। और हमारे पास यहाँ पर एक देखो कुछ इस तरह के बोट वाले डिजाइन वाला बहुत ही प्यारा शार्पनर है ना, यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, यहां से इसको बंद करके यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन है। 10 रुपीज में आपको इस तरह का शार्पनर मिल जाता है। और हमारे पास ये देखो कार वाले डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर 2 शार्पनर लगे हैं, यहां से बंद करने के बाद यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, और जिसका कार वाला डिजाइन है ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। ये देखो छोटी सी कार और इससे ना 2 शार्पनर लगे हैं, यानी कि आप इससे पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास एक और ज्योमेट्री बॉक्स, कार वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, इसका पूरा डिजाइन देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है, रेड कलर में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पे सुपर लिखा है, यहाँ पे सुपर लिखा है, और फ्रंट से देखो सुपर कार जैसे इसका डिजाइन है। साइड से आप देख सकते हैं इसके नीचे जो टायर लगे ना घूमते हैं गाइस, ये इसको आप फर्श पे ऐसे चला भी सकते हैं गाइस, ये देखो है ना। अब मैं आपको ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करके दिखाऊंगा, प्लास्टिक क्वालिटी का ज्योमेट्री बॉक्स है, यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर ट्रे लगी हुई है व्हाइट कलर की, ट्रे में पेंसिल होल्डर लगा हुआ है, यहां पर आप सामान रख सकते हैं और हटा के नीचे भी आप सामान रख सकते हैं, और यहां से इसको बंद कर देंगे कुछ इस तरह से, तो गाइस ये बन जाएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स। और गाइस के बाद हमारे पास एक बाइक वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स भी है, ये देखो कितना प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके भी टायर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इसको भी आप फर्श पे चला सकते हैं गाइस, ये देखो है ना, यहां पे लिखा है हायाबुसा, और गाइस ये देखो यहाँ पे लिखा ब्रूम 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 रेसिंग स्टार्ट लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन है। और बाइक वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स आप में से 99% लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको यहां पर देखो ट्रे देखने मिलती है, ट्रे के ऊपर पेंसिल होल्डर लगा हुआ है, और इसको यहां से हटाने के बाद इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है ना। यहां से बंद कर देंगे तो कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है, और यहां से आप देखो कितना प्यारा इसका डिजाइन है, ऐसे करके आप इसको फर्श पे चला भी सकते हैं, इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं, और देखने में जो इसका लुक है ना बाइक वाला ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और हमारे पास है ये देखो प्यारी सी वॉच जो कि बेंटेन कार्टून वाले डिजाइन में आती है, देखो इसके पट्टे के ऊपर बेंटेन बना हुआ है, यहां पर भी बेंटेन बना हुआ है, यहां पर भी बेंटेन बना हुआ है और लिखा भी हुआ है, और यहां से ओपन करके आप देखें तो इसकी स्क्रीन के अंदर भी बेंटेन बना हुआ है, और टाइम भी आप देख सकते हैं, यहां से आप टाइम सेट भी कर सकते हैं है ना, यहां से बटन दबाने पर इसके अंदर लाइट भी जलती है और बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है देखो,
और यहां से बंद करने के बाद जब आप इसको हाथ में पहनोगे तो गाइस इसका लुक देखो कितना प्यारा इसका लुक है। हाथ में पहनने पे ये वॉच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी इसके डिजाइन की वजह से। 100 रुपीज से कम में आपको ये वॉच मिल जाएगी। और हमारे पास है गाइस ये देखो प्यारा सा कुछ इस तरह का आइटम जो कि है गाइस एक पेपर सोप की बोतल, मतलब इससे आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं। बोतल आप देख ही सकते हैं किस तरह की है। ये देखो इसके अंदर ना आपको पेपर सोप यानी कि साबुन देखने मिलते हैं छोटे छोटे से, जिनको आपको अपने हाथ में लेना है कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो कुछ साबुन आपको अपने हाथ में लेने हैं, पानी डालने और ऐसे ऐसे रगड़ के ना इसके आपके हाथ में बहुत सारे झाग आ जाएंगे और आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। और इस बोतल को ना आप ट्रेन में, बस में, ट्रेवल के टाइम पर यूज कर सकते हैं। आप अपनी पॉकेट में रख के ले जाएंगे और आपके हाथ धोने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो काफी अमेजिंग चीज है, ये यूजफुल चीज भी है। और हमारे पास है देखो बोतल वाले, मतलब कुछ इस तरह का चाबी का छल्ला जिसके अंदर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है, छोटी सी बोतल है उसके अंदर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका डला हुआ है। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। और ये ऐसा चाबी का छल्ला है गाइस, डिजाइन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है इसका, है ना। इसके डिजाइन की वजह से मुझे बहुत पसंद आया और 20 रुपीज में मुझे मिल गया गाइस। ये 20 रुपीज में पैसा वसूल चीज है। और हमारे पास है गाइस ये देखो प्यारा सा एवेंजर्स वाले डिजाइन वाला मल्टी फंक्शन जेनेट्री बॉक्स। ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत प्यारा एवेंजर्स का प्रिंट बना हुआ है, यहाँ पर भी एवेंजर्स का प्रिंट बना हुआ है। तो पहले मैं आपको पीछे से ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका बैक साइड का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और गाइस ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर आपको 1 2 3 4 5 बटन देखने मिलते हैं। मैं आपको बटन दबा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर से कैसे कंपार्टमेंट ओपन होते हैं। गाइस ये देखो पहले बटन से शार्पनर ओपन होता है, दूसरे बटन से यहाँ पे देखो आप मंथ डे और डेट सेट कर सकते हैं, यहां से एक और ट्रे ओपन होती है, यहां पे आप इसके अंदर टेम्परेचर देख सकते हैं और यहां से एक बड़ी स्लाइड ओपन होती है गाइस ये देखो, है ना। और यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं, यानी कि इसके जो पांचों बटन है यहां से आप ओपन करके, है ना, बहुत सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है एवेंजर्स वाला ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। और गाइस हमारे पास है ये देखो प्यारा सा, ये देखो बस वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो कि मेटल क्वालिटी में आता है, देखो है ना। और इसके जो टायर्स हैं ये भी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इसको आप फर्श पे कुछ इस तरह से चला सकते हैं। यहाँ पे लिखा ट्रेवल बस और इसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा क्रेजी है। यहाँ पर हैंडल है, आप इसको कुछ इस तरह से पकड़ के लटका सकते हैं और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से लॉक लगा हुआ है। लॉक को ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको बहुत स्पेस देखने मिलता है। यहां पर ट्रे लगी है, 1 से 9 तक टेबल लिखा हुआ है, यहां पर ट्रे लगी है और नीचे भी आप सामान रख सकते हैं, है ना। और जब ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करते हैं तो ऐसे बंद होता है और ओपन करते टाइम गाइस ये देखो कितने प्यारे तरीके से ओपन होता है। और ऐसे बंद करने के बाद यहां से आप लॉक लगा दोगे ना तो गाइस ये बन जाएगा ब्रीफ केस, आप इसको ऐसे पकड़ के लटका के भी ले जा सकते हैं और आप इसको फर्श पे गाड़ी की तरह चला भी सकते हैं जो कि इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मेटल क्वालिटी का ज्योमेट्री बॉक्स है, 250 रुपीज में आपको मिल जाएगा, 250 रुपए में गाइस ये पैसा वसूल चीज है। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग कलर सेट जो कि डुअल टिप ब्रश पेन है, दोनों साइड से आप इस कलर को यूज कर सकते हो गाइस। ये देखो यहां से भी यूज कर सकते हो और यहां से भी यूज कर सकते हो, टोटल 12 कलर आई थिंक इसके अंदर। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है टोटल 12 कलर देखने मिलते हैं। और इसको ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, कलर्स की शेड्स देखो। तो मैं आपको एक दो कलर ओपन करके दिखाऊंगा, है ना। एक पिंक कलर निकाल लेते हैं और एक येलो कलर निकाल लेते हैं और दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे एक साइड आपको ब्रश टिप देखने को मिलती है, यहां पे लिखा भी हुआ है, और एक यहां पे आपको फाइन टिप देखने को मिलती है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसकी टिप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल इसकी टिप है, है ना। और यहां से बंद करने के बाद यहां से ओपन करोगे तो यहां से पेन की तरह वर्क करता है गाइस। ये देखो यहां से इसकी बहुत पतली सी टिप है, है ना। तो इसको मैं पहले नीचे रखता हूं और गाइस ये वाला भी आपको दिखाता हूं। ये देखो एक साइड से ब्रश टिप है और दूसरी साइड से फाइन पेन वाली टिप है गाइस, ये देखो, है ना। दोनों साइड से आप इस कलर को यूज कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा एक अमेजिंग फीचर है इसका। और दोनों साइड से यूज करने पे बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो गाइस इसको मैं रख लेता हूं यहां पे। और जिसके अंदर कलर्स हैं, कलर्स की शेड्स देखो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसको मैं रख लेता हूं साइड में। और इसके बाद गाइस लास्ट में हमारे पास 2-3 चीजें बची हैं, जिनमें सबसे पहले गाइस हमारे पास है एक यूनिक टाइप का स्टेशनरी आइटम जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्टेशनरी आइटम देखने मिलेंगे। देखो यहां पे बहुत ही प्यारा कार्टून वाला डिजाइन बना हुआ है, यहां पे लिखा पेट्स, ये देखो, है ना। और यहाँ पे इसके पीछे लूडो भी बना हुआ है जिससे आप लूडो खेल भी सकते हैं, है ना। और कमेंट में बताना कि आप में से किस किस को लूडो खेलना पसंद है। यहाँ पर टेप लगी हुई है तो पहले मैं टेप को हटाता हूँ। ये मैंने टेप को हटाया और गाइस ये देखो यहां से ओपन करेंगे गाइस, यहां पर इसके ऊपर और भी टेप लगी हुई है तो पहले मुझे इसकी टेप को कट करना पड़ेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, है ना। ये देखो यहां से मैंने इसको कर दिया ओपन और ये देखो कुछ ऐसा अंदर से इसके समय दिखाई देता है,
है ना। तो जल्दी से मैं इसके सारे सामान आपको दिखाता हूँ। और गाइस हमें इसके अंदर देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा स्केल देखने मिलता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो कितना प्यारा स्केल है ना। एक पेंसिल देखने मिलती है, एक प्यारी सी इरेजर, और एक प्यारा सा यहाँ पे आपको ये देखो शार्पनर देखने मिलता है। और जो इसके पीछे लूडो बना हुआ है ना, लूडो के अंदर खेलने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारी गोटियां देखने मिलती है गाइस। ये देखो इसके अंदर बहुत सारी गोटियां और डाइस भी रखा हुआ है। और यहां से बंद करने के बाद ये देखो यहां पर आपको बहुत प्यारा एक छोटा सा आइटम देखने मिलता है। अब इसको एबकस कहा जाता है ना, जो कि छोटे बच्चों के लिए लर्निंग के लिए बहुत ही अमेजिंग टॉय होता है गाइस। और आपको इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। ज्योमेट्री बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। तो काफी प्यारा आइटम है जिसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन देखने मिल जाते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है, स्केल है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, और लूडो भी आप इसके अंदर खेल सकते हैं, एबकस भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर दो तीन आइटम और बचे हैं जिसमें सबसे पहले गाइस हमारे पास है दो हेलो किटी वाले डिजाइन वाले शार्पनर इरेजर। देखो ये हेलो किटी डिजाइन वाला एक आइटम है, यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर इरेजर रखी हुई है, यानी कि आप इसको इरेजनर कह सकते हैं। और गाइस ये है डबल शार्पनर, इसके अंदर दो शार्पनर लगे हैं जिससे पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास एक और अमेजिंग शार्पनर, ये देखो यहां से ओपन करेंगे, इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास ये देखो स्पाइडरमैन वाले डिजाइन वाला एक बहुत ही प्यारा मैकेनिकल पेंसिल, देखो यहाँ पे इसके ऊपर छोटी सी क्यूट सी डायरी लगी हुई है, और यहां से इसकी टिप को दबाने पे पीछे से ये देखो आगे से इसकी टिप बाहर आती है ना। और हमारे पास एक चम्मच वाले डिजाइन वाला पेन, यहाँ पे चम्मच लगी है, यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, यहां से ओपन करके आप इससे खाना भी खा सकते हैं, और यहां से ओपन करके आप इस पेन से लिख भी सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम दिखाए। अगर आपको एक भी आइटम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो मिलते हैं वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।